नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि। दोस्तों, मेरे घर में बच्चों को ड्राई चिकन बहुत पसंद आता है, तो अक्सर ही मैं अपने घर में नई नई रेसिपीज़ ड्राई चिकन में ट्राई करती रहती हूं। और अब की मैंने बनाया है धनिया चिकन, जो बहुत ही टेस्टी होता है, फटाफट बनता है और इसको बनाना बहुत आसान है। और आप इसकी रेसिपी ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हरी धनिया, 3 बड़े लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 15 हरी मिर्च ले लिया है। मैंने ये सब ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मैं 1.5 किलो चिकन के हिसाब से ये सब ले रही हूँ, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी आप कम कर लें जितना आपको चिकन बनाना है। इसे हम लोग गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। और 1.5 किलो चिकन में मैंने ये पेस्ट मिक्स कर दिया है, तो पेस्ट बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप पानी ज़्यादा मिक्स ना करें, नहीं तो चिकन में जो है वो पेस्ट ठीक से लगेगा नहीं। फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी 2 चम्मच डाल दिया है क्रश करके। इसके बाद मैंने इसमें मिलाया है 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और मैंने इसमें डाला है कम से कम 50 ग्राम बटर मैंने लिया है और डाल दिया है इसमें। हल्का सा मेल्ट किया हुआ ये बटर है, तो आप सॉल्टेड बटर ही यूज़ करें। इसके बाद मैंने एक ही बार में नमक डाल दिया है, तो आप अंदाज से नमक डाल दें। फिर इसके बाद मैंने गरम मसाला डाला है 1/2 चम्मच, क्योंकि ये बहुत लाइट स्पाइसी होता है, तो मैंने इसमें ये डाला। फिर इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम लोग एक नींबू का रस मिलाएंगे इसमें, और इसमें मैंने दही मिलाया है 3 चम्मच। ये सब मैरिनेशन के लिए है, मैरिनेट हम लोग करेंगे। और फिर इसके बाद मैंने इसमें मिलाया है विनेगर 2 चम्मच। ये सब हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ों से मैरिनेट बहुत अच्छा होता है, विनेगर, दही और नींबू से, तो ये इससे बहुत जूसी बनता है चिकन और अंदर तक पक जाता है। साथ ही थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें चाट मसाला भी 1 चम्मच मिलाया है। अब इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद लगभग 1 घंटे के लिए हम लोग रख देंगे फ्रिज में। अगर आपके पास टाइम हो तो आप कम से कम 4 घंटे के लिए रख दें, तो ये और भी अच्छा अंदर तक सॉफ्ट बन जाएगा। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है बाहर और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर एक मैंने पैन रखा है, पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है और अब इसे हम लोग बहुत धीमे आंच पे इसे पकाएंगे। तो मैंने सारे पीस इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए, और बाकी जो है वो दूसरे, जब ये पक जाएगा तो दूसरी बार में मैं बनाऊंगी उसको। अब इसे ढक देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी है, इसका साइड भी चेंज किया है, तो ये अब थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो गया है। देखिए लेग पीस जो है वो थोड़े से गलने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच क्रीम और कसूरी मेथी, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा मिलाया है काली मिर्च का पाउडर। अब इसे हम लोग मिक्स कर देंगे और ये देखिए धनिया चिकन बनके रेडी है। और इसे आप प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें और ये अब एकदम रेडी है। तो बस इतना ही आपको करना है। और ये देखिए टेस्टी धनिया चिकन बना के हम लोग ने रेडी कर लिया है। आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक, अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 400+ रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।